केजरीवाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आकिब आफ्ताब और आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस। और आप देख रहे हैं यहाँ पर इस वक्त चालान जो है काटे जा रहे हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इस वक्त निसार अहमद साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अभी तक चालान काटे जा रहे हैं जिन्होंने मास्क बगैर कर रहे थे, लेकिन सर अभी देखा गया तो सोशल डिस्टेंसिंग आपके बीच भी नहीं थी ऐसा? नहीं, हमारे यहाँ तो लगे हुए मास्क लगे हुए। अब कागज तो चेक कर रहे हैं सर, कागज एक ने चेक कर रहे हैं, कागज सात आठ लोगों ने चेक नहीं, सात आठ नहीं थे बाकी। मास्क कितने? अभी एक ही हुआ, अभी एक हुआ। तो जो उल्लंघन करेंगे तो उनके साथ क्या करेंगे? उल्लंघन करें साथ में ले जाएंगे, थाने में ले जाएंगे। सर, जिसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ मनी नहीं होगा पॉकेट में, थाने ले जाएंगे, कर लेगा खुद ही अरेंजमेंट। आपने देखा इस वक्त मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मास्क जो नहीं पहनेगा पुलिस जो है उसका चालान करेगी। तो आपने देखा यहाँ पर अभी सुबह सुबह का जो है चालान का, और हर गाड़ी जो भी आ रही है, चाहे वो म्यूनसिपल कमेटी की हो चाहे वो कोई आम गाड़ी हो, इस वक्त गाड़ियां जो है आ तो रही हैं, लेकिन साथ में उनको मास्क भी लगा हुआ है। इस वक्त हम भदरवा के बीचों बीच में है, इलाका जो है दोबारा से 3 दिन का जो है लॉकडाउन हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना वायरस के केस सामने आ रहे थे और सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग की, तो वो सामने देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का तो कहीं निशान नहीं लग रहा। और इस वक्त जिस हिसाब से गाड़ियाँ आ रही हैं और ये मास्क पहना तो है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है मास्क का उल्लंघन किया जा रहा है। यहाँ एक जिंदगी जो है गुजारा करती थी, गुजर बसर होता था यहाँ पर जिंदगी का, क्योंकि अभी लॉकडाउन के कारण जिस हिसाब से कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, ये तमाम दुकानें आप देख रहे हैं ये सारी बंद, पुलिस जो है अपना काम कर रही है। और ये जो एरिया बीच वाला देख रहे हैं, यहाँ पर शायद पार्क बनने वाला था, लेकिन अब हालात इस कदर ख़राब हैं कि कोरोना वायरस की वजह से पार्क तो बहुत दूर की बात है, पार्क बने या ना बने वो तो बात बहुत दूर की बात है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर हालत ख़राब है, बहुत खस्ता हालत है। और पुलिस जो है हर उस शख्स पे, हर उस इंसान पे नज़र रखी गड़ाए बैठी है जिसने मास्क नहीं पहना होगा, क्योंकि गाइडलाइंस के द्वारा की अगर हम बात करें तो डीसी डोडा ने ये गाइडलाइंस निकाली थी कि जितने भी लोग जो है बिना मास्क के पाए जाएंगे, ₹500 का चालान जो है उनको किया जाएगा। अब देखना ये है कि जो लोग रुमाल पहनेंगे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के हो चाहे वो आम इंसान हो, क्या सिर्फ मास्क पहनना जरूरी है या मुंह को ढकना जरूरी है? अगर रुमाल बांधकर भी चालान होता है, इसका मतलब ये है कि मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन शायद हमने अभी तक देखा नहीं कि मास्क पहना है, मास्क पहनकर चालान किसी का नहीं हुआ, रुमाल पहनकर चालान किसी का नहीं हुआ। ये मार्केट जो है भदरवा की मेन मार्केट है और ये सारी बंद है अभी, सिवाय उस दुकान के, सब्जी की दुकान के, और सिवाय दूध की दुकानों के कोई भी दुकान जो है यहाँ पर खुली नहीं है। ये आप देख रहे हैं यहाँ डिजिटल जियो लाइफ का बोर्ड लगा हुआ है, उसके बाद हमने आपको दौरा कराया था कि गुप्ता स्टैंडर्ड बेकरी यहाँ पर है, बिल्कुल बंद है, लॉकडाउन है, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, खराब हालात हैं, लोग जो हैं फिर भी कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रहे हैं इस चीज़ का, मास्क नहीं पहन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात एडमिनिस्ट्रेशन की, सिर्फ इस समय जो है यहाँ पर लॉकडाउन का मतलब ये है कि लोग घरों से फालतू बाहर ना निकलें, लेकिन आप देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना बात के घर से निकले हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर जिस हिसाब से सिस्टम चल रहा है, और सिस्टम जो है, हमारे साथ दो लोग मौजूद हैं, हम पूछना चाहेंगे मास्क पहनना कितना जरूरी है? मास्क पहनना बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है जी सर। क्या लगता है आपको, ये जिस हिसाब से कोविड-19 के केसेस चल रहे हैं, ठीक है, क्या लगता है आपको कि होगा कुछ लॉकडाउन, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? सर, चांसेस तो बहुत है बढ़ने के, चांसेस बहुत है जी सर। अभी तक चालान किया पुलिस ने? नहीं सर, मास्क पहना हुआ है। तो आप घर से क्यों आए हैं? सर, सामान लेना, दवाई लेनी थी। दवाई लेनी जी सर, जेब में भी है? जेब में भी है जी सर। पर्ची जेब में है? नहीं, दवाई है सर। दवाई निकाली, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि लोग बिना बात के घर से निकलते हैं। आप देख रहे हैं कि कोई भी इंसान जो है फालतू ये घर से दवाई लेने के लिए निकले हैं, और आप देख रहे हैं कुछ लोग तो भागते हैं, ऐसा लगता है शायद, अगर हम बात करें कि ये घर से क्यों निकले हैं तो मालूम नहीं, लेकिन फिर भी अंदाजा यही है कि आने वाले समय में। सर, अपना मास्क अच्छे से पहनिए, नाक बिल्कुल बंद करें, मास्क का उल्लंघन करना, मास्क ढंग से ना पहनना, ये एक चीज जो है दर्शाता है यहाँ पर कि अगर आप मास्क पहनेंगे लेकिन मास्क को ठीक तरीके से नहीं पहनेंगे तो फिर पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सवाल ये नहीं है कि कब कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वो बढ़ेंगे,
सवाल ये है कि क्या कोरोना वायरस जैसी महामारी से हम बच सकते हैं या नहीं बच सकते हैं। मेरे पीछे का सिनेरियो है ये सारा, हालात जो हैं बहुत ख़राब हैं, केसेस जो है आए दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस काम करने में लगी हुई है और चालान जो है काटे जा रहे हैं। अब चालान चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के हों चाहे खुद वो उन लोगों के जो चालान काट रहे हैं, लेकिन आम लोगों से मेरी गुजारिश ये है, आम लोगों से निवेदन ये है कि वो उल्लंघन ना करें, वो इस चीज़ का उल्लंघन ना करें। और सबसे बड़ी चीज़, जब भी वो घर से बाहर निकलें तो किसी काम से बाहर निकलें, फालतू में घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि फालतू में घर से आप बाहर निकलेंगे तो शायद तबीयत जो है आप ही की लोगों की ख़राब होगी, उससे एडमिनिस्ट्रेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितने भी केसेस अभी तक आए उन सबका ट्रीटमेंट चल रहा है, क्वारंटाइन में जितने भी लोग हैं वो भी सब्र रखें, जब उनका रिपोर्ट जो है नेगेटिव आएगी तो उनको भी इज्जत के साथ घर भेजा जाएगा। और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को, खासकर भदरवाह की आवाम को ये कहना चाहूँगा कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, तो उसके बाद कोरोना क्या कोई भी बीमारी जो है नहीं लगेगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए बाहू एक्सप्रेस।